मथुरा जनपद का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग आम जनमानस को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाने के प्रति लगातार प्रयत्नशील है। इसी क्रम में खाद्य विभाग की टीम द्वारा अभिहित अधिकारी डॉक्टर गौरी शंकर के नेतृत्व में मथुरा जनपद के बाजना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान टीम द्वारा पनीर के सैंपल लिए गए और पनीर निर्माण के स्थल की जाँच की गयी। वहीं टीम ने अन्य जगहों से रिफाइंड सरसों के तेल, अरहर की दाल के भी नमूने एकत्रित किए। आज हमने एक बाजना क्षेत्र में एक महरामगढ़ी गांव पड़ता है, वहाँ मुख्य द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि जो पनीर का निर्माण किया जा रहा है मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा। और जब उन्होंने वहाँ छापा मार कार्रवाई की तो एक्चुअली में वो जो पनीर का प्लांट है विदाउट लाइसेंस चल रहा था और वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ था। और जो पनीर का निर्माण किया जा रहा था वहाँ पर हमें रिफाइंड के भी कुछ टीन प्राप्त हुए सफ़ेद रंग का घोल था, जिसे हमने नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया और उसे अग्रिम आदेशों तक उस प्लांट को सील कर दिया है। जब तक वो फर्म लाइसेंस नहीं ले लेते हैं और मानक के अनुसार काम करेंगे तभी उनको आगे काम करने दिया जाएगा। साथ ही बाजनाई क्षेत्र में एक देव ट्रेडर्स एक प्रतिष्ठान था, वहाँ पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की, क्योंकि अरहर की दाल के हमने जो गत माह में जो नमूने लिए हैं वो नमूनों में टेट्राजीन केमिकल का पॉलिश पाया गया जो कि हार्मफुल होता है, कार्सिनोजेनिक भी है, जिससे कैंसर का डिसीज हो जाता है। दूसरी जगह खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम ने मथुरा के सेठवाड़ा क्षेत्र में पहुंचकर कार्रवाई की और देसी घी के निर्माण की जाँच की। इस दौरान मौके पर टीम को देसी घी निर्माण स्थल पर रिफाइंड का टीम रखा हुआ मिला, जिस पर टीम ने मौके से देसी घी के सैंपल जांच के लिए भेजे।